प्रोजेक्ट स्नेह सामाजिक संस्था ने मिशन शक्ति के अंतर्गत आज पोषक तत्व युक्त भोजन की व्यवस्था छजलैट ब्लॉक की ग्रामीण किशोरियों के लिए इस लाडली विद लंच कार्यक्रम के माध्यम से 7 गांव से 150 किशोरियों एवं महिलाओं को लंच करवाया गया। संस्था की संस्थापिका शिखा गुप्ता ने बताया कि प्रोजेक्ट स्नेह निरंतर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिशा में काम कर रहा है। हमारी संस्था में लगभग 200 महिला विधिवत कार्य के माध्यम से रोजगार से जुड़ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की मुहिम मिशन शक्ति के बारे में सदर मुरादाबाद की SDM प्रेरणा सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि महिला स्वयं के भोजन आदि का ध्यान रखना चाहिए ताकि वह शक्ति से भर पाएगी और अपने भविष्य के लिए बेहतर सोच पाएगी। कार्यक्रम में बतौर अतिथि ADM फाइनेंस प्रीति जायसवाल ने सभी महिलाओं को अपना जीवन स्तर अच्छा करने की सलाह दी एवं अपने घर से निकलकर शहर शहर में जाकर कुछ काम करने और अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम में पुलिस एकेडमी DIG श्रीमती पूनम श्रीवास्तव ने अपने जीवन सफर को सभी लड़कियों के साथ साझा किया। इस मौके पर अल्पना रितेश गुप्ता ने भी किशोरियों और महिलाओं का उत्साहवर्धन किया, साथ ही अपनी बात साझा की और कहा भविष्य में किशोरियां आगे बढ़कर काम करें जिससे समाज में महिलाओं का नाम बढ़े। प्रोजेक्ट स्नेह की बोर्ड मेंबर दीप्ति गुप्ता एवं गुंजन गुप्ता ने लड़कियों को शिक्षा सुरक्षा एवं स्वावलंबन से जुड़ने के अपने विजन मिशन की बात की। कार्यक्रम की संचालिका गरिमा सिंह ने बताया कि यह संस्था 4 शब्द SNEH से बनी है जिसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बच्चों की एजुकेशन एवं बच्चों के स्वास्थ्य की दिशा में कार्य करते हैं। इस कार्यक्रम में महिला द्वारा बनाए गए बैंत के हैंडीक्राफ्ट आइटम ऑर्गेनिक शहर गुड़ एवं खाद्य पदार्थों से जुड़े उत्पाद आदि डिस्प्ले किए गए। शोभा कुमारी एवं सुधा कुमारी ने मधुमक्खी पालन एवं ऑर्गेनिक खेती की जानकारी दी। कि आज बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा, बहुत सारी बातें करने को मिलेंगी, तो उम्मीद यही रहेगी कि कुछ आप लोगों को सिखा पाए, कुछ खुद आपसे सीख पाए। आप लोगों का नाम मैं बाहर देख रही थी, जो एग्जीबिशन है आप लोगों में बहुत टैलेंट है, मजा आ गया। जितना भी हम लोगों ने आपकी कारीगरी से लेकर स्टिचिंग से लेकर जितना भी काम बाहर डिस्प्ले है बहुत ही अच्छा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं बस थोड़ा सा अपने बारे में ये बताना चाहूँगी कि आप में से अगर कोई भी आगे अपने भविष्य में IAS अधिकारी बनना चाहती है या अगर किसी भी मुकाम को हासिल करना चाहती है, जो भी आपका सपना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आप लोगों को कुछ भी सहयोग कर पाऊँ, कुछ भी अपने अनुभव से कुछ चीज़ें साझा कर पाऊँ जिससे आप लोगों को मदद मिले और आप लोग भी काबिल अधिकारी और अच्छा भविष्य अपने लिए बनाएं। क्योंकि मैं एक IAS अधिकारी हूँ, 2017 बैच की अधिकारी हूँ, तो बहुत ज़्यादा उम्र का भी फासला नहीं होगा, शायद आप लोगों को बात करना भी थोड़ा आसान लगे। तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग जरूर कोई भी डाउट हो पूछिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अंत में यही कहूँगी कि इसी कार्य निष्ठा और हार्डवर्क के साथ आप लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं। लड़कियां कहीं भी कम नहीं होती हैं। आप लोगों को बस अपने ऊपर विश्वास रखना है और खूब जमकर मेहनत करनी है, तो आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता और सारी बुलंदियां आप लोग छू सकेंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और अपने अंदर एक गौरव का अनुभव हो रहा है। शिखा दीदी के सानिध्य में रहकर मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और आज मैंने स्नेह प्रोजेक्ट में जो कुछ देखा इन सब वीडियो के बीच में रहकर, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। दीदी हमेशा समाज में ऐसा कुछ करती हैं कि वो अपनी छाप छोड़ देती हैं और हमेशा उनके कार्य प्रशंसनीय होते हैं। आज भी मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और हमेशा भविष्य में सीखती रहूँगी। इतनी सारी बेटियों को कार्य देकर जो समाज में उन्होंने एक नए कार्य किया है, उसके लिए मैं चाहूंगी कि सभी लोग तालियां बजाएं। समाज में हर किसी व्यक्ति को जो घर से बाहर निकलता है किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। आपने मैंने सबने किसी न किसी चुनौती का सामना किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की ये जो मिशन शक्ति योजना है वो इसी के लेकर की गई है कि हम सभी को इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़े। पहले हम बहुत चुनौतियों का सामना करते थे, अब हम चुनौतियों का सामना नहीं करते हैं। हम एक सशक्त नारी, एक सशक्त बेटी के रूप में समाज में कार्य कर रहे हैं।
मुझे नहीं पता मैं कब एक गृहिणी से एक समाज सेविका बन गई। मैं धीरे धीरे इस सफर में जुड़ती चली गई और आप जैसे लोग, गरिमा जैसी बेटी मुझे मिली और वो मुझे मेरे सफर में एक हम सफर बन के मुझे हमेशा कुछ ना कुछ प्रेरणा देती रही और मेरे साथ वो आगे बढ़ती चली गई, मैं भी उसके साथ आगे बढ़ती चली गई और हम दोनों या समाज में आप जैसी बहुत सी बेटियों के साथ में मिलकर कार्य करने लगी और बहुत आगे बढ़ गई। मुझे कल शिक्षा जी का फोन आया कि यहाँ पे आना है, लंच का प्रोग्राम है और इस तरह का। मुझे जिज्ञासा हुई कि किस टाइप का ये है, तो ये अभी मैंने जैसा देखा ऊपर कि एक मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन शक्ति जो चल रहा है उसका नोडल ऑफिसर मुरादाबाद की मैं ही हूँ, तो पूनम श्रीवास्तव मेरा नाम है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे भी प्रोजेक्ट, मेरे लिए कार्य का अंग है कि महिलाओं का विकास हो और लड़कियां और महिलाएं अपने स्वावलंबन, उसका एक मुख्य विषय है। तो यहाँ पे जो स्वावलंबन की जो परंपरा लेकी गई, जिस तरह से ऊपर आपके मशीन्स लगी हैं, तमाम लड़कियां काम कर रही हैं, उनको सिखाया जा रहा है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र से और जो स्वावलंबन का जो एक मिशन है, मिशन शक्ति का जो एक उद्देश्य है वो पूरी तरह से पूरा करता है। और एक इसमें जैसा कि बताया गया है मैडम गुप्ता जी के द्वारा कि यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन, पोषण का भी एक वो एक एस्पेक्ट है और उसी के उसमें ये लंच भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें एक मिशन को पूरा करती हैं, जिसके लिए हम शिखा गुप्ता जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। किस तरह से आप काम करने का प्रयास? प्रोजेक्ट स्नेह एक एनजीओ है जिसकी स्थापना सन 2018 16 मार्च को हुई थी। अब इसको तीसरा, इसका ये फाउंडेशन डे आएगा। इसमें स्नेह वर्ड में 4 लेटर्स आते हैं, SNEH। एस मीन्स सैनिटाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसमें हमने बहुत से गांवों में कम्युनिटी टॉयलेट्स का निर्माण कराया। एंड नेचर एंड नर्चरिंग, इसके अंडर में हमने जैसे डिवाइडर है विवेकानंद से लेकर और वेव्स तक, कई डिवाइडर्स पे हमने वृक्षारोपण करवाया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जितने भी लॉन्स हैं सब में वृक्षारोपण करवाया। इवन यहाँ कपूर कंपनी का जो हमारा पार्क है उसमें भी प्रोजेक्ट स्नेह का बहुत सहयोग है। थर्ड लेटर है इसमें ई, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। एजुकेशन के तहत मैं प्रतिवर्ष कई वर्षों से चैत्र के नवदुर्गों में मुरादाबाद ब्लॉक के 9 ब्लॉक से 9 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की 8th पास लड़कियों की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। पहली लड़कियों का बैच जो है इस साल 12th में आया है। तो इस प्रकार मैं 36 लड़कियों की एजुकेशन अडॉप्ट कर चुकी हूँ। इसके अलावा कई स्कूलों में जहाँ पे भी शिक्षा का अभाव पैसे की वजह से होता है, कहीं 20 बच्चियों का, कहीं 27 बच्चियों का, इस तरीके से मैं शिक्षा ग्रहण प्रोजेक्ट उसमें मेरा कर रहा है। पैसे के अलावा मैंने देखा जब मैं विद्यालयों में गई तो वहाँ बुक्स की बहुत बड़ी समस्या होती है। लोग, माँ बाप जो हैं वो बुक्स को नहीं खरीद पाते। तो मैंने एक प्रोजेक्ट स्नेह के तहत बुक बैंक की भी स्थापना करी है, जो कि NCERT की बुक्स हैं और उसमें 6 से लेकर 12 तक की बुक्स हैं, वो प्रतिवर्ष अगले क्लास के बच्चों को चली जाती हैं। इस तरीके से वो एक बुक बैंक भी चल रहा है। और इसका एक ई का एक है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। वैसे तो मेरा मानना है कि वुमेन बहुत एक शक्तिशाली महिला होती है और इसको एम्पावर करने की ज़रूरत है, लेकिन तब भी मैंने जब गांवों में, मैं सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में आउटरीच प्रोग्राम्स के तहत मैं गांव में जाती थी और वहाँ हम लोगों ने 82 गाँवों को अंधता मुक्त निवारण किया था, तो उस तहत मैं गांव वालों के संपर्क में बहुत आई। मैंने गांव के जीवन को बहुत करीब से जाना, तो मुझे लगा कि गांव की महिलाओं को बहुत ज़रूरत है और वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, बस उनको ज़रूरत है कि उनको कोई एक्सपोज़र दे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कड़ी बनूँ, जो सरकार की इतनी योजनाएँ होती हैं और जो लड़कियां स्वयं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं कड़ी बनूं। तो इसके लिए जो मेरी छोटी बहू है दीप्ति,
उसकी शादी के बाद उसने प्रोजेक्ट स्नेह की स्थापना नाम जो दिया है ये दीप्ति के द्वारा दिया गया है। मैं तो सन 2009 से इसमें काम कर रही थी लेकिन उसने सन 2018 में इसको प्रोजेक्ट स्नेह का नाम दिया और इसमें हम काम कर रहे हैं। फोर्थ वर्ड है इसका एच। इसमें हम आई इंस्टीट्यूट के तहत बहुत हेल्थ सेक्टर में हम कई गांवों में कार्य कर रहे हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रही, जब मैं गांव में गई तो मैंने देखा कि मैंने महिलाओं पे कार्य करना शुरू करा तो मैंने देखा कि गांव में ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमारे गांवों में रासायनिक खेती बहुत होती है और आपको जान के हैरानी होगी कि किसान आदमी जैविक खेती करने के लिए तैयार नहीं होते। उसके बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि इसका उत्पादन कितना होगा, इसका मूल्य कितना मिलेगा। तो मैंने उन सब चीज़ों की गारंटी ली। मेरे साथ मेरे किसान भाई, आज 150 से ज़्यादा किसान भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनको मैंने ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रशिक्षित करवाया। 70 एकड़ ज़मीन पे आज गांव छजेट ब्लॉक की ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। मैंने इन किसानों को ट्रेन करा के, जो आप ये देख रहे हैं ये सब यहाँ पर खेती हो रही है, उन किसानों को हायर किया मैंने और उनसे कहा कि आप आइए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप यहाँ आकर जैविक खेती करिए और इसमें आप देखिए कितना आपका उत्पादन हो रहा है। मैंने कहा नुकसान मेरा, अगर यहाँ पे आपको लगे फ़ायदा हो रहा है तो आप अपनी ज़मीनों पे बाद में करिएगा। इसके लिए किसान तैयार हुए। साल भर से ज़्यादा हो गया वो, ये एक मेरी प्रयोगशाला बन गई है। वो यहाँ तरीके तरीके के अनाज मसाले वो उगाते हैं, उसमें देखते हैं। मेरे किसान ही मुझसे कहते हैं मैम हमें पता नहीं था एक पीसा में 5 किलो मेथी हो जाएगी, इतना हो जाएगा मेथी दाना। तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। फिर वो यहाँ पे जब अच्छे परिणाम देखते हैं फिर वो अपनी जमीनों पे जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने गाँव में बच्चे देखे, बहुत सीवियरली मैल नरिश्ड बच्चे। तो मेरे मन में विचार आया कि हमारा जो भारत है ये कभी तरक्की नहीं कर सकता कि अगर यहाँ का भविष्य ही उज्ज्वल है। तो मैंने ऐसे ICDS डिपार्टमेंट के साथ जुड़कर मैंने मुरादाबाद से 550 बच्चों का इसी वर्ष चयन किया और उनको मैं न्यूट्रिशनल फूड दे रही हूँ और उसी के लिए गवर्नर मैडम भी यहाँ आई थी। इसका उन्होंने मुझको बहुत प्रशंसा की थी इस काम के लिए और आपको ये शेयर करते हुए मुझे आज बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि जब मैंने 550 बच्चों को एडॉप्ट करने से पहले एक छोटी पायलट स्टडी करी थी तो गांव के 25 बच्चों को लिया था जो कि बहुत कुपोषित बच्चे थे। तो उन पे जब स्टडी करी तो उन बच्चों पे ये न्यूट्रिशनल फूड दिया जब मैंने 5 महीने तक लगातार, और 1 महीना मैंने उनका रखा कि अगर ये पैकेट का फूड अगर बच्चों को नहीं दिया जाए तो उनके स्वास्थ्य पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो 6 महीने की मेरी स्टडी में 25 में से 23 बच्चे नॉर्मल कैटेगरी में आ गए। तो जब ये मेरा कदम था तो उसके बाद फिर मैंने ICDS डिपार्टमेंट के साथ जुड़कर 550 बच्चों को अडॉप्ट किया। आज तीसरा महीना मेरा ख़त्म होने आ रहा है। मेरे 2 सर्वेयर लगे हुए हैं, एक बिलारी ब्लॉक में एक सज्जत ब्लॉक में, जो प्रतिदिन आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ सर्वे करते हैं, देखते हैं कि उनका वज़न लंबाई बड़ी या नहीं बड़ी, पूरा मेरे पास लिस्ट है और बहुत बच्चों में ड्रास्टिक चेंजेस आए। और मैं उम्मीद करती हूँ 550 बच्चों में इस 6-3 महीने और रह गए हैं उसके एंड में 540-545 बच्चों को आप ज़रूर मैं नॉर्मल की कैटेगरी तक ले आने में समर्थ हो पाऊँगी। अच्छा मैम, इसके अलावा जो आज का ये प्रोग्राम रहा उसमें आज का जो ये प्रोग्राम है, मेरी सासू माँ का 25 अक्टूबर को देहांत हुआ था और वो एक मेरे लिए एक मेरी आइडियल रही हमेशा। तो आज 21 जनवरी उनका आज बर्थडे होता है तो मैं उसको एक यादगार दिवस बनाना चाहती थी। तो इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट स्नेह के साथ 21 जनवरी को एक पुण्यतिथि के रूप में मनाकर मैंने कहा इस दिन मैं अपनी जितनी भी लाडलियाँ मेरे साथ जुड़ी हैं, जितनी भी बहनें जुड़ी हैं, उन सबको मैं भोजन कराऊँगी और जिससे कि मैं अपनी अम्मा की, अपनी सासू माँ की यादों को मैं ताज़ा रख सकूँ और मैं सबको बता सकूँ कि मेरी माँ मेरे लिए कितना प्रेरणादायक थी। जब मैं उनके साथ इस बात को शेयर करूँगी तब शायद इनमें से कोई 2-4, 10-5 उनके जैसे भी हो पाए
तो मैं समझती हूँ कि प्रोजेक्ट इसने अपनी कामयाबी को छू सके।